मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं आप लोगों को, बहुत ही कमाल की फिल्म है। मैं अपने दोस्तों को हमेशा कहता हूँ कि यार ये दिस इज़ वन ऑफ द फिल्म्स दैट आई एम सो प्राउड ऑफ इन माय फिल्मोग्राफी, इट्स अ क्लासिक। सोन चिड़िया इज नॉट अ फिल्म, इट्स बियॉन्ड अ फिल्म। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी अंग्रेजी हमने सुन ली शुरुआत में, मैं घबरा रहा था बैठे बैठे कि कहीं अंग्रेजी में ना बोलना पड़ जाए, नहीं तो पत्ते खुल जाएंगे। लेकिन हिंदी हमारे सपनों की भाषा है, हिंदी हमारे अपनों की भाषा है, हिंदी हमारे देश की भाषा है, और हिंदी हमारे व्यवसाय की भाषा है। तो हिंदी हमारी आवश्यकता भी है, आदत भी है, मजबूरी भी है, संस्कृति भी है, तो इसमें डरना क्या है। जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभिषेक की प्लानिंग और प्रिपरेशन परफेक्ट रहती है जी, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं बिफोर वी सी द प्रोमो। देखिए अभिषेक चौबे को अगर हम आजकल इनिशियल्स का दौर चलता है तो ए फॉर अभिषेक एंड सी फॉर चौबे, तो ए सी, तो ए सी अगर इनको कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये उन व्यक्तियों में से हैं कि जैसी एयर वैसी कंडीशन, इसलिए इनको ए सी कहा जाता है। तो अभिषेक चौबे अपने आप में पूरे तैयार होते हैं, एक्टर्स को कुछ काम नहीं करना पड़ता है, एक्टर्स को अगर जो इनकी तैयारी है अगर एज इट इज उसको एग्जीक्यूट कर दे एक मजदूर के जैसे, अपनी कलाकारी ना दिखाएं, मिस्त्री ना बने, मजदूर बनकर अगर कर दें तो आप देखेंगे तो बहुत शानदार इमारत खड़ी हो जाती है। तो मैंने बिल्कुल एक मजदूर के जैसे अभिषेक को फॉलो किया कि वो जैसा चाहते थे वैसा उनको देखता था, सुनता था, और उसके बाद उसको जैसा का तैसा उतार के रख देता था। प्रशंसा हमें मिलेगी। सुपर हाई प्रेज वंस अगेन, नो फेयर पॉलिसी। और बॉलीवुड में आके एक्टर्स कई बार थोड़ा हो सकते हैं डर के कि क्या मेरा अवतार जो वो वाला पसंद आया, आपके तो हर अवतार को लोग पसंद कर रहे हैं, बट थोड़ा सा फेयर कभी रहता है? नहीं यार, आई थिंक मैं किसी अवतार के पीछे नहीं भाग रही हूँ, ऑनेस्टली मैं कहानी के पीछे भागती हूँ। और अगर आपकी कहानी स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास एक डायरेक्टर हो, डायरेक्टर और राइटर आपकी फिल्म का एंकर होता है, तो आप उन्हीं के ऊपर अपना पूरा फेट डालते हो, एंड एवरी टाइम टच वुड टिल नाउ इट हैज़ वर्कड आउट। एंड अगर मैं सोन चिड़िया के बारे में बात करूँ, ये एक ऐसी कहानी थी, जब अभिषेक सर ने मुझे पहली बार बोला कि यू नो मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई वेंट वीक इन माई नीज, क्योंकि ये मेरे बकेट लिस्ट पे थे हमेशा। और मैंने कहा यार अभी तक, तब तक मेरी कोई फिल्में आई नहीं थी दम लगा के हर्षा के अलावा। फिर मैं गई, मैंने नरेशन सुनी और उन्होंने कहा कि एक डकॉय ड्रामा है, मैंने कहा मैं क्या करूँगी इसमें। बट जब कहानी सुनी मुझे लगा कि यार ये फिल्म छोड़ नहीं सकते, यू नो मुझे बहुत ही डीप सेंस ऑफ लॉस हो रहा था, सोच के भी कि यू नो इज देयर एन ऑप्शन, शुड आई नॉट डू इट। लेकिन जैसे ही कहानी खत्म हुई मैंने कहा कुछ हो जाए जो हो ये तो करनी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई लव द वे द फिल्म हैज टर्नड आउट, इट इज इट्स सो डिफरेंट, इट इज इट्स वेरी एनरिचिंग फॉर मी एज एन एक्टर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। सो पुश देमसेल्व्स, हर बार तुम कोशिश करते हो कि मैं कुछ नया परोसूं हमारे ऑडियंसेस के लिए। और बिल्कुल भी यार, यू नो जब तो पहले आता तो हमारी चॉकलेट बॉय जॉ लाइन ये सारी चीजें हैं, इसके बावजूद तुम ऐसे कैरेक्टर्स उठा लेते हो व्हिच इज फैंटास्टिक, एंड फॉर अस एज ऑडियंसेस हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं जी। मुझे ये पहले समझ में आया था कि जितना आप अपने काम से प्यार करते हो और जितना अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डालते हो कि आपको पूरी तरीके से नहीं पता कि कैसे करना है, उतना आप सीखते हो। लेकिन इस बार मैं बोलना चाहूँगा कि इस फिल्म में मैं अभी भी बहुत डरा हुआ हूँ कि मैं वो स्टेज शेयर कर रहा हूँ जिनका मैं फैन रहा हूँ, कब से मुझे भी पता नहीं, सर सॉरी आप हमेशा बोलते हैं कब से, मतलब बट बहुत ग्रेटफुल हूँ। और कमाल की बात यह है कि जिस अभिषेक सर जैसे भूमि ने बोला मेरे भी बकेट लिस्ट में थे, और अचानक से एक दिन फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूँ, और मुझे लगा था फिल्म ही हो, मुझे लगा फिल्म ही होगा। और फिर उन्होंने एक पेज पढ़ा और मैंने सबको रोका और मैंने सबको कहा कि आप वेस्ट मत करिए टाइम, मैं प्लीज करना चाहता हूँ, मैं अभी आपको वैसे ही ढूंढ रहा था। एंड देन आई रेड द स्क्रिप्ट और उस रात को मैंने फोन किया सर को और मैंने कहा कि आप सही बोल रहे थे ना कि मैं हूँ, क्योंकि ये बहुत ही वैसा कैरेक्टर है जो काबिल है उस बात को लेके, श्योर है, लेकिन उसके अपने क्वेश्चंस हैं और सर्च में है किसी बात को लेके, जो मनोज सर और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके थ्रू वो सीखता है। तो एग्जैक्टली सेम माहौल था, मनोज सर, आशुतोष सर, रणवीर सर, भूमि, इन सब के बीच में मैं जब एक्टिंग कर रहा था तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं आज ये कर सकता हूँ। ठीक है, राउंड ऑफ अप्लॉज केदारनाथ और भूमि, यू आर द मैन विद गोल्डन टक्स। अभी तक तो चल रहे हैं, चलने दो। I don't want to jinx it actually. Before we speak to you also, sir,
just the faith and the trust जो पूरी इंडस्ट्री को है अभिषेक चौबे में, मतलब हम सब फैन है फिल्मों के इनके, लेकिन जो इतना समय जाता है इसको बनाने में, you know, your relationship with him. See, I think you used the word brave, and I'm just going to start with English because I love producing Hindi movies, but I like talking in English. But I think, you know, from Ishqiya onwards, I've always really, really, really liked what he's doing, and we've kept talking. And opportunities have not come our way. Then I moved out and didn't do movies for about 6 years. So I'm really proud that if I'm coming back and doing something, I've had the opportunity to do that with Abhishek. And the second thing I would say is, genuinely and absolutely, you can't find a more hardworking, precise, concise director. And third is, I'm a man of few words and he's a man of few words. So we get along perfectly. ये बहुत मुश्किल फिल्म लगी है ऐसा दिखता है. आपके आपने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि मेरी फिल्में रियलिस्टिक दिखती हैं क्योंकि वो दुनिया बनाई जाती है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज इनटू मेकिंग दैट दुनिया. तो इसके बारे में और सोनचिरिया के बारे में कुछ बताएं. जी सोनचिरिया का जो आइडिया भी था बनाने का वो रॉनी सर से ही आया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया. मैं उनके ऑफिस में जाकर के मिला. उन्होंने कहा मुझे इस टाइप की फिल्म बनानी है, मुझे कुछ एक्शन एडवेंचर वेस्टर्न बनाना है. तो उन्होंने मुझे ये आइडिया बीच मेरे दिमाग में उन्होंने ही डाला, और फिर हमने सोचना शुरू किया इस फिल्म के बारे में कि अगर एक्शन एडवेंचर वेस्टर्न करना है आज के माहौल में इस दुनिया में, तो फिर कैसी फिल्म होनी चाहिए. और मुझे इस फिल्म को डेवलप करने में एक्चुअली बहुत वक्त लगा, क्योंकि सुदीप और मैं पहले कुछ और लिख रहे थे और वो कहानी भी सुनाई थी और उनको लगा था हाँ अच्छी कहानी इसी पे काम करो. लेकिन 2-3 महीने काम करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस काफी टूटा और मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दूंगा. और मैं गया इनसे मिलने और इनको कहा कि वो नहीं वर्क कर रही, अब मैं कुछ और पे काम करना चाहता हूँ. बट ही वाज लाइक यही कहने के लिए आते थे जो करना है करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. सो द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू नो दैट ही हैड इन मी इज व्हाट यू नो अलाउड मी टू मेक द फिल्म दैट इवेंचुअली टर्न्ड आउट टू बी.